बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस साइमा नदीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ छुआरों का मीठा। ये छुआरों का जो मीठा है, आपने कभी ना खाया होगा, ना ही बनाया होगा, और कहीं देखा या सुना भी नहीं होगा। इसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले 250 ग्राम छुआरे, जिन्हें मैंने धोकर और कट करके एक छुआरे के दो पीस करके और इसके बीच में से घुटली निकाल ली है और इनको ऑलमोस्ट एक घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। इस तरह से अब हम एक सॉस पैन में 1 लीटर दूध है, ये हमने इसको बॉईल कर लिया है। ये देख लीजिए, दूध बॉईल हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने छुआरे एक घंटे के लिए पानी में भिगो दिए थे, धोकर और कट करके उसके बीज निकाल लिए थे, वो हम इस दूध में डाल देंगे। अब दूध जो है वो लो फ्लेम पे पकता रहेगा और ये दूध हमें खुश करना है। ये तमाम छुआरे हमने इसमें डाल दिए हैं। हम 5 से 7 मिनट में इसको हर थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, ये स्लो स्लो पकते रहेंगे इसके अंदर और ये दूध जो है वो बिल्कुल हमें इसमें ड्राई करना है। और इस तरह पकने से छुआरे जो हैं वो भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, लाइट लाइट फ्लेम पे ये पक रहा है और इस तरह हम हर थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, दूध पक पक कर ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, ये हाफ केजी रह गया है। ये हम जब इसे मिक्स करते हैं तो ये ब्लाई की लेयर सी बन जाती है। ये पिंक शेड में बन रही है क्योंकि जो दूध है वो ड्राई हो रहा है और हम इसको मिक्स कर देते हैं तो ये खोए सा बन जाएगा। अब इस टाइम पे मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। शक्कर हम इसमें डालेंगे 7 टेबल स्पून। 7 टेबल स्पून हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे और थोड़ा सा फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे 5 मिनट के लिए, बिकॉज़ जो शक्कर का जो पानी है वो भी हमें ड्राई करना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको हाई फ्लेम करेंगे 5 मिनट के लिए और मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, यहाँ शक्कर का पानी भी अब जो है वो ड्राई हो चुका है और दूध भी जो है वो बिल्कुल पक पक के ड्राई हो गया है। अब हम यहाँ इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ये डिश ठंडी अच्छी लगती है। ये देखिए, मैंने एक घंटा इसको फ्रिज में रखा था। अब ये डिश बिल्कुल रेडी है, आप इसको सर्व कर सकते हैं। मेरी मदर इसको इससे एक दिन पहले बनाती थी, बिकॉज़ ये ठंडी रहे ताकि जब हमारे यहाँ मेहमान आए तो हम उन्हें ठंडी ठंडी सर्व करेंगे। तो आप भी अपने फैमिली मेम्बर को, गेस्ट को और रिलेटिव को खिलाएं और दाद वसूल करें। ये जो भी खाएगा डिश, इंशाल्लाह वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। आपको ये मेरी स्वीट डिश की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।